बच्चों तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनकलूजिव एजुकेशन च। अज आपां नौवीं जमात का सत्तवां पाठ दुध अते दुध तो बनने वाले पदार्थ के प्रश्न उत्तर करन जा रहे हैं। इस पाठ के वीडियो मैं तुहानूं पहलों भेज चुका। जे हजे तक तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया चैनल नूं लाइक करके सबसक्राइब करो ते इसका बैल आइकन बटन जरूर दबो ता जो तुहानूं हर पाठ ते उसके प्रश्न उत्तर की वीडियो समय सिर मिल सके। बच्चों जो पहले प्रश्न उत्तर ने इन्हां दे आपां उत्तर एक या दो शब्दों च देने। पहला प्रश्न, आम तौर पर गां दे दुध तो किन्ना खोआ तैयार हो सकता है? आम तौर पर गां दे एक किलो दुध तो लगभग 200 ग्राम खोआ तैयार हो जाता है। फिर मझ दे दुध तो आम तौर पर किन्ना खोआ तैयार हो जाता है? मझ दे दुध तो लगभग 250 ग्राम खोआ तैयार हो जाता है। गां दे दुध तो 200 ग्राम ते मझ दे दुध तो 250 ग्राम खोआ तैयार होता है एक किलो दुध के नाल। फिर गां दे एक किलोग्राम दुध विचों किन्ना पनीर तैयार हो सकता है? गां दे एक किलोग्राम दुध विचों 180 ग्राम खो पनीर तैयार हो सकता है। खोआ जरा 200 ग्राम ते पनीर 180 ग्राम ते मझ दे दुध च किन्ना पनीर तैयार हो सकता है? मझ दे दुध चो जिन्ना खोआ तैयार होता है उन्ना ही पनीर तैयार हो जाता है, मतलब कि 250 ग्राम पनीर मझ दे एक किलो दुध च तैयार हो सकता है। फिर जाग लगा के दुध तो बनाए जाने वाले पदार्थ लिखो। जाग लगा के दुध तो आप दही बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। फिर गां दे दुध च किन्ने प्रतिशत फैट होता है? गां दे दुध च घटो घट 4% फैट होता है। गां दे दुध च किन्ने प्रतिशत SNF होती है? गां दे दुध च 8.5% SNF होती है। मझ दे दुध विचों किन्ने प्रतिशत फैट होती है? मझ दे दुध विच 6% फैट होती है। गां दे दुध विच 4% ते मझ दे दुध विच 6% फैट होती है। मझ दे दुध किन्ना SNF होंदा है? मझ दुध 9% SNF होंदा है। टौंड दुध विच किन्नी फैट होंदी है? टौंड दुध विच 3% फैट होंदी है। इत्थे गां दे दुध नालों भी घट फैट होंदी है, टौंड जिहड़ा दुध होंदा है उहदे विच। हुण प्रश्न जिहड़े इहनां दे उत्तर आपां एक जां दो वाकां च देणा। पहला प्रश्न, मनुखी खुराक विच दुध दी की महत्ता है? दुध विच सौख नाल हजम होण वाले खुराकी तत्त होंदे हन। दुध एक संतुलित खुराक है ते शाकाहारी प्राणियों की खुराक का जरूरी हिस्सा है। मनुख दुध की वरतों जन्म तो लैके सारी जिंदगी दुध की वरतों किसी ना किसी रूप करता रहता है। दुध विच फैट, प्रोटीन, धातां, विटामिन आदि खुराकी तत्त होंदे हन। अगला प्रश्न, दुध विच कड़े कड़े खुराकी तत्त पाए जाते हैं? दुध विच हड्डियां दी बनतर अते मजबूती लई धातां जिवें कैल्शियम आदि हुंदा है, प्रोटीन, फैट, विटामिन आदि लगभग सारे खुराकी तत्त हुंदे हन। व्यापारक पद्धर ते दुध तो कड़े कड़े पदार्थ बनाए जाते हैं? व्यापारक पद्धर ते खोआ, पनीर, दही आदि अते खोए दी अते पनीर दी वरतों करके कई तरह दीयां मिठाइयां बनाईयां जांदियां हन। फिर खोए नूं किन्ने डिग्री तापमान ते किन्ने दिन तक रखिया जा सकता है? खोए नूं आम तापमान ते 13 दिन लई अते कोल्ड स्टोर विच 2.5 महीने तक आसानी नाल संभाल के रखिया जा सकता है। घिओ नूं ज़्यादा समय लई किवें संभाल के रखिया जा सकता है? घिओ विच पानी की मात्रा बहुत घट होनी चाहिए अते टीन दे सीलबंद डब्बे अंदर घिओ नूं 21 डिग्री सेंटीग्रेड ते 6 महीने लई संभालिया जा सकता है। पनीर नूं किन्ने डिग्री तापमान ते किन्ने दिन तक रखा जा सकता है? बच्चों पनीर नूं सही ढंग नाल बनाया गया होवे तां 2 हफ्ते लई फ्रिज विच स्टोर किया जा सकता है। तो वख-वख पनीर दे बनाउण दे तरीके अनुसार पनीर नूं 2 तों 4 दिनां तों 5 तों 6 महीने लई स्टोर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दुध दे पदार्थ बनाउण लई ट्रेनिंग कित्थों लई जा सकती है? दुध दे पदार्थ बनाउण दी ट्रेनिंग पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना, गढ़वासो लुधियाना ते नैशनल डेयरी खोज इंस्टीट्यूट करनाल तो ले जा सकती है।
डबल टोंड और स्टैंडर्ड दोनों के म्यार लिखो बचो जरा डबल स्टैंड डबल टोंड दुध और 1.5% सारा फैट होंगे तो एस एन एफ जरा 9% होंगे तो स्टैंडर्ड दुध 4.5% फैट होंगे तो एस एन एफ जरा 8.5% होंगे है। खोए को संभालने का तरीका लिखो खोए को संभालने लिए मोमी कागज लपेट के ठंडी थान रखा जाता है। खोए को आम तापमान से 13 दिन और कोल्ड स्टोर में 2.5 महीने लिए रखा जा सकता है। खोए तो बनने वाली मिठाइया के नाम लिखो खोए तो बनने वाली मिठाइया बरपैड़ा गुलाब जामुन कलाकंद बर्फी आदि हैं। फिर दुध के पदार्थ बना के वेचन के की फायदे हैं? कच्चा दुध छेती ही खराब हो जाता है इसलिए दुध तो दुध दी वस्तां बनाई जाती हैं ताकि दुध लंबे समय तक सांभ ताकि दुध नूं लंबे समय तक सांभ के रखा जा सके। दुध नालों दुध वाले पदार्थ महंगे भाव विकते हैं तो दुध उत्पादक नूं चंगा लाभ हो सकता है। दुध के पदार्थ दुध नालों वजन ते आकार विच घट हो जाते हैं तो इन ढोआ ढोआई का खर्चा भी घटता है तो सौखा भी रहता है। इन्हां दे मंडीकरण विच विचोले नहीं होंदे इसलिए आमदन भी वध हुंदी है घर के मैंबर नूं घर विच ही रोज़गार मिल जाता है। फिर पनीर बनाउण दी विधि लिखो उबलते दुध विच तेजाबी कोल सिट्रिक तेजाब नींबू का सत्त जरा जां लैक्टिक तेजाब पा के इसनों फटाया जाता है। फटे दुध पदार्थ नूं मलबल के कपड़े विच पा के इस विचों पिछ नूं अलग कर दिता जाता है। फिर ठंडा करके इसनों पैक करके संभाल लिया जाता है जां वरत लिया जाता है। इसनों 2 हफ्ते तक फ्रिज विच रखा जा सकता है। खोआ बनाउण दी विधि लिखो दुध नूं कढ़ाई विच पा के गर्म किया जाता है और काफ़ी संघना होने तक इसनों खुरचने की सहायता नाल हिलाते रहते हैं तो कढ़ाई नूं खुरचते रहते हैं। इस तो बाद कढ़ाई नूं अग तो उतार के संघने पदार्थ नूं ठंडा करके खोए का पेड़ा बना लिया जाता है। गां के 1 किलोग्राम दुध च 200 ग्राम और मझ के 1 किलो दुध च 250 ग्राम खोआ तैयार हो जाता है। वख वख श्रेणियों के दुध के की कानूनी म्यार हैं? दुध के पदार्थों का मंडीकरण लिए कुछ कानूनी म्यार का ध्यान रखना चाहिए। ये म्यार इस तरह पदार्थ बनाते समय सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पदार्थों को वेचन लिए पैक करके उस उपर लेबल लगा के पूरी जानकारी लिखनी चाहिए है। पदार्थों संबंधी मशहूरी या इश्तहार सही जानकारी देनी चाहिए है। पदार्थों में म्यारी गुणवत्ता बनाई रखनी चाहिए है। दुध के पदार्थ बना के वेचन वेले मंडीकरण के केड़े केड़े नुकत्यां वाल उचेचा ध्यान देने की लोड़ है? शहरी मंडी अते पेंडू उत्पादकों विचली दूरी नूं खत्म करना चाहिए है। फिर दुध की प्रोसैसिंग अते जीवाणु रहित डब्बाबंदी दीआं आधुनिक तकनीकां अपनाउण दी लोड़ है। उत्पादकां नूं अपने इलाके विच आम वेचे जाण वाले पदार्थ बनाउणे चाहीदे ने। जिहड़ी जिस इलाके च तुसीं रहि रहे हो उत्थे किस तरह दी डिमांड है खोए दी पनीर दी जां मिठाई दी उस तरह दे ही पदार्थ बनाउणे चाहीदे हन। दुध उत्पादकां नूं इकट्ठे हो के सहकारी सभावां बना के उत्पाद वेचने चाहीदे हन। इस नाल तुहानूं दुध दा मुल भी वध मिल जाता है तो विचोलियां का वो छुटकारा मिल जाता है। दुध उत्पादकों नूं व्यापारक पद्धर ते आधुनिक तकनीकों की वरतों करके पदार्थ बनाने चाहिए हैं। इसकी तुम ट्रेनिंग भी ले सकते हो जी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना तो या नैशनल इंस्टीट्यूट जरा करनाल आ जरा दुध उतों तुम ट्रेनिंग लैके दुध जे आधुनिक तकनीकों जे व्यापारक पद्धर के पदार्थ बना सकते हो। कानूनी म्यारां दा ध्यान रखना चाहिए जिस बारे तुहानूं पहलों दस्सिया साफ सफाई और म्यार जरा पूरा होना चाहिए पैक होना चाहिए उत्ते सारी तरीकां लिखनी हो चाहिए और कानूनी म्यारां दा जरूर ध्यान रखना चाहिए। सो बच्चो इसी तुहाडे 7वें पाठ दे प्रश्न उत्तर तुसीं ध्यान नाल सुन लिया होगा इसनूं कापी च उतार लो ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ते नाल जिहड़ी घंटी है उहनूं जरूर दबाओ तां जी तुहानूं हर पाठ दे
जो नवा पाठ यूट्यूब पर मैं पाँगा और नोटिफिकेशन समय सिर मिल सके। धन्यवाद।